और एकदम जैसे कि ईवी कार्स होती है ना उस टाइप के लुक्स में ये गाड़ी आपको आई है। तो इसको आपको 3080 किलो की ये पूरी गाड़ी है जो कि महिंद्रा आपको दे रही है। बैक कैमरा इसके अंदर आपको मिल जाता है गाइस, इसके अंदर आपको चार की मिलेंगी, ये रही इसका। ये चीज देखोगे ना आप जब स्टीयरिंग और यहाँ पर इंटीरियर, किसी एक लग्जरी एकदम बढ़िया गाड़ी से कम नहीं लगता है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है गाइस, तो सिर्फ आप क्लच दबाकर ही, यानी अगर इसकी आप क्लच बिल्कुल आपको प्रेस करोगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, मैं आया हूं आज आपके लिए एक महिंद्रा वीरो का टॉप एंड वेरिएंट लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा आज की तारीख में आपने रोडों पर देखा होगा। और इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स कंपनी ने दिए हैं, न्यू लॉन्च्ड गाड़ी है तो अलग अलग फीचर्स हैं। मेरे पास यह है V6 वाला वेरियंट, तीन वेरियंट में आता है, V2, V4 एंड V6। V6 टॉप एंड वेरियंट है और इसके अंदर आपको क्या क्या कंपनी दे रही है 9,14,000 रुपये के एक शोरूम पर। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम इस गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, या आपको अगर इस टाइप की गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइज, शुरुआत करते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल आज़ाद बॉडी मेकर पर, मैं हूँ रिहान और आपके लिए आज इस वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। तो गाइज, सबसे पहले जब आप देखोगे ना इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल, तो ये एकदम ग्रे कलर के अंदर आई है और एकदम जैसे कि ईवी कार्स होती है ना उस टाइप के लुक्स में ये गाड़ी आपको आई है, जो कि सामने की आप ग्रिल देख सकते हो। ये हॉर्न के लिए जो आपको यहाँ पर होल दिख जाएंगे, 4 होल्स हैं। फिनिशिंग जो है इसकी भाई स्टील फिनिशिंग के साथ, सेंटर में महिंद्रा का लोगो और महिंद्रा की बैजिंग, यहाँ पर वीरो की बैजिंग आपको जो कि मिल जाएगी। साथ ही साथ गाइज, बड़े से इसके अंदर हेडलैम्प आपको मिलेंगे, ये देख सकते हो आप, हेलोजन येलो कलर वाली जो लाइट होती है जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। और टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, दो वाइपर शीशे को क्लीन करने के लिए जो कि इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे आपको। बाकी गाइज, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर पॉइंट मिल जाएगा और ये आपको फॉग लैम्प की जगह मिल जाएगी, यानी फॉग लैम्प टॉप एंड वेरिएंट में नहीं मिलते हैं बट फॉग लैम्प की आपको जगह मिल जाती है। ये फैब्रिक के अंदर है और ये भी आपको प्लास्टिक में ही मिल जाएगा। तो गाइज, ये इसके फ्रंट प्रोफाइल होगी कुछ इस तरीके से। और इस गाड़ी का आप जब पूरा का पूरा लुक्स देखोगे ना, मतलब महिंद्रा ने इस गाड़ी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। ये आप देखोगे तो इस गाड़ी की जो हाइट है ना गाइज, वो भी 1183 mm की है और गाड़ी की ओवरऑल पूरी अगर आप लेंथ देखोगे तो 4980 mm की इस गाड़ी की पूरी लेंथ है। 10 फीट के डाले के साथ ये आपको कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो ये न्यूली लॉन्च्ड गाड़ी है। तो गाइज, और साइड प्रोफाइल जब आप इसकी देखोगे ना, तो जैसे अशोक लीलैंड का i5 आता है, i4 आता है, जिसकी हाइट काफ़ी ऊँची होती है, उस टाइप से ये आपको गाड़ी दिखेगी और इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अब गाइस, इस सब चीज़ की तो बात होगी, अब बात करते हैं इस गाड़ी के पीछे की डैक सिस्टम की। तो गाइस, ये जो पीछे का इसका डैक बॉडी आती है वो 10 फीट लंबा और 5'4" चौड़ा आती है। इसका जो पेलोड है वो 1.6 टन पर आपको पास है। और गाइस, इसकी जो टायर की अगर आप बात करते हैं तो टायर इसके अंदर आपको 15 inches के टायर आपको मिल जाते हैं, आगे और पीछे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको मिल जाता है, यानी सादा पट्टा कमानी जो होती है ना वो वाला सस्पेंशन इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि गाइस बहुत वक्त से चल रहा है और लोगों की मतलब उसके ऊपर भरोसा भी ज़्यादा है, तो ये आपको मिल जाता है। बाकी गाइस, ट्यूबलेस इसके अंदर टायर आपको मिल जाते हैं, आगे की साइड डिस्क और पीछे की साइड आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। ये गाड़ी डीजल के अंदर है गाइस। बाकी गाइस, यहाँ पर आपको एमेरॉन की इसके अंदर बैटरी आपको मिल जाती है। और इसकी जो अगर आप डेक साइज़ की बात करोगे ना, तो ये आपको 10 फीट लंबा और 5'4" अप्रॉक्स चौड़ा आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। पेलोड इसके अंदर आपको 1.6 टन का मिल जाता है। गाड़ी का अगर आप पूरे ओवरऑल जैसे टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसके अगर आप ओवरऑल वेट की यानी ग्रॉस व्हीकल वेट जिसको हम बोलते हैं, अगर उसकी आप बात करें तो इसको आपको 3080 किलो की ये पूरी गाड़ी है जो कि महिंद्रा आपको दे रही है जीरो। तो गाइज, ये इसके अंदर हो चुका है। बाकी मरगार्ड जो है गाइज, आप देख सकते हो ये प्लास्टिक के अंदर आते हैं, जिनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि ये गलते आसानी से नहीं है, लाइफ इसकी काफ़ी बढ़िया होती है। टायर इसके अंदर गाइज कौन से मिलता है, IMA XPCI की जेके टायर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, 15 inch के टायर। बाकी गाइज, जब आप देखोगे यहाँ पर आपको हुक भी दिए हैं, ये आप देख सकते हो, ये रहे हुक, यानी अगर आपको सामान कोई कैरी करके ले जाना है तो उसको कैरी करने के लिए जो आपको रोप जो इसकी रस्सी बांधोगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाती है। बाकी गाइस, जब आप पीछे की साइड आओगे तो साइड में डाले को आप देख सकते हो, डैक को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर सपोर्ट दे दी गई है। और पीछे की साइड जब आप आओगे इस गाड़ी में, तो आपको पीछे की साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगी। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर गाइस क्या क्या चीज़ नहीं मिल रही है वो आपको मैं दिखाता हूँ। एक तो इसके अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। तो गाइस, ये तो आजकल आपने देखा होगा, बहुत सी गाड़ी है, लगभग सभी गाड़ियाँ ये रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रही हैं। थोड़ा बैक से दिखा दो। और
यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की लाइन मिलेगी, यानी गाड़ी के अगर आप पीछे से कोई, अगर आपकी गाड़ी की लाइट नहीं जल रही कहीं खड़ी है, तो अगर पीछे से कोई लाइट इसके अंदर ऊपर लगेगी तो यहाँ से ये रिफ्लेक्टर लाइन चमकती है, तो जिससे कि विजिबिलिटी और अच्छी हो जाती है रात के टाइम में। बाकी महिंद्रा की यहाँ पर बैजिंग, वीरो की यहाँ पर बैजिंग ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। साथ ही साथ गाइज इसके जो कब्जे मिलते हैं ना वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं, जो कि डाले की जो लाइफ है वो और अच्छी बढ़ जाती है। बाकी गाइज छोटी छोटी चीज़ इसके अंदर इम्प्रूव करी गई है, जैसे कि ये डाला सिस्टम है तो इसके लॉक भी एक अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये 360 बैक कैमरा इसके अंदर आपको मिल जाता है गाइज, यानी लोड व्हीकल होता है पीछे, लोग बाग डैक पीछे की बॉडी बनवा लेते हैं और जब इस गाड़ी को बैक करते हैं ना तो पीछे का जो सिस्टम होता है ना वो दिख जाता है, यानी पीछे कोई गाड़ी खड़ी है या दीवार है तो सेंसर तो आपको बता देंगे, महसूस करा देंगे कि हाँ भाई कुछ पीछे है, बट जो कैमरा होता है ना वो आपको दिखाता है कि पीछे क्या चीज़ है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल जाता है कॉमर्शियल सेगमेंट के अंदर, लोग बाग इसको बाद में लगवाते हैं बट कंपनी आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर दे देती है। स्पेयर व्हील की जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है गाइज, यहाँ पर आप रख सकते हैं। बाकी गाइज इसके टेल लैंप की अगर आप बात करेंगे तो टेल लैंप में ये टर्न इंडिकेटर है, और जब इस गाड़ी को आप स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर ये वाले रेड वाली लाइट और पीछे की साइड रिवर्स वाली लाइट जब आप गाड़ी को रिवर्स गियर में आप करेंगे। तो गाइज ये इसकी पीछे की प्रोफाइल हो गई, और अभी इसकी साइड में आते हैं एक बार, साइड में आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका डीजल का टैंक, यानी डीजल का टैंक इसके अंदर आपको 40 लीटर का मिलता है, और इसका गाड़ी का एवरेज जो कंपनी बताती है आपको 18.2 का इसका एवरेज आपको कंपनी बताती है। अब आप मानकर चलिए जब आप ऑन रोड इस गाड़ी को चलाएंगे तो गाइज कहीं ना कहीं 1-2 किलोमीटर तो कम होता ही है, तो 16-17 के आसपास का इसका आपको एवरेज देखने को 100% आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है 1.6 टन की वैक्स पिकअप में। बाकी गाइज यहाँ पर आपके मरगार्ड हो गए। अब इस गाड़ी के यहाँ पर डेफ टैंक मिल जाता है। डीजल की जब आप गाड़ी लेते हो ना तो कार्बन को मेंटेन करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा धुआं निकालती है गाड़ी, उसको मेंटेन करने के लिए आपको यूरिया डलवाना पड़ता है, तो गाइज ये आपका थोड़ा एक्सपेंसिव बढ़ जाता है जब आप डीजल की गाड़ी लेते हो, लेकिन इसके अंदर आपको ये चीज़ मिल जाती है। बाकी गाइज अब मैं आपको खोल देता हूँ, ये एयर फिल्टर हो गया इसका। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है, साइड में आपको दिखेंगे तो एकदम स्टैंडर्ड वाले जो साइड के जो लॉक होते हैं वो आपको मिलेंगे, बाहर से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। मैं आपको की भी दिखा देता हूँ, देखिए गाइस इसके अंदर आपको 4 की मिलेंगी, ये रही अलग अलग तरीके, 2 इस कार की और 2 इसकी ने टैंक की, तो ये 4 इसके अंदर की आपको मिल जाती हैं। बाकी गाइस यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की आपको लाइट यहाँ पर मिलेगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब आप प्रीमियम गाड़ियाँ लेते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ शो होती है। यहाँ पर आपको मरगार्ड मिल गया, स्पेयर व्हील हो गए, साइड में आपको वीरो की बैजिंग, और अब इसको एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ओपन करने के बाद जब आप देखोगे ना इस गाड़ी को तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले मैं इसको बैठ जा रहा हूँ, इसके अंदर बैठने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पर पैर रखने और ये इसको पकड़कर आप आराम से बैठ जाएंगे। ये देखिए गाइज अब मैं इसकी कर देता हूँ टिप टिप बंद, और गाइज अब इस चीज़ को एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको ये हैंडल मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है एकदम, ये आपको मिलेगी प्लास्टिक के अंदर, ये आपको गाड़ी को ओपन और क्लोज करने के लिए, ये लॉक है इस गाड़ी के, और यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगी जो शीशे ऊपर करने के लिए, क्योंकि गाइज ये गाड़ी आपको पावर विंडो के साथ भी आपको मिलती है, तो सोच लिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिल जाती है आपको। तो गाइज अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इस गाड़ी को ओपन कर कर, तो ये रही इसकी की और मैं यहाँ लगा देता हूँ, और ये मैंने ओपन कर ली। ओहो फिलहाल आप जब देखोगे इसको एक बार देखिए आप, ये वाली प्रोफाइल जो है इसका स्टीयरिंग कितना ज़्यादा बढ़िया है। स्टीयरिंग की अगर आप गाइज वो देखोगे ना, मतलब चौड़ाई जो है वो ज़्यादा नहीं है, विद इसकी एकदम मतलब नॉर्मल है जो कि काफ़ी है। बाकी कंफर्ट आप देख सकते हो, मेरी 5'6" की हाइट है तो मैं कैसे आ रहा हूँ, सीट एडजस्टेबल है, आप इसको आराम से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये रही और ये रही, तो ये आपकी है। बाकी अगर आपको पीछे से भी एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये रही तो गाइज बाकी गाइज इसका आप इंटीरियर एक बार आप देखो तो इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एसी भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन कर लेता हूँ इस गाड़ी को, ये मैंने ओपन कर ली। तो गाइज ये देखिए आप, इसके अंदर आपको ओपन सिस्टम के अंदर क्या क्या आपको मिल जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी की आपको कितनी किलोमीटर गाड़ी ये चल रही है, टोटल क्या स्पीड पर ये गाड़ी चल रही है, टाइम क्या हो रहा है, कितने डिग्री इस गाड़ी का टेम्परेचर है, फ्यूल कितना है, जो कि इंपॉर्टेंट सारी नोटिफिकेशन है वो आपको इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। और गाइज जब आप साइड में देखोगे ना किसी इंटीरियर को इस गाड़ी के, देखो इसका ये चीज़ देखोगे ना आप, जब स्टीयरिंग और यहाँ पर इंटीरियर, किसी एक लग्जरी एकदम बढ़िया गाड़ी से कम नहीं लगता है ये। यहाँ पर आपको बटन कंट्रोलर मिलते हैं, यानी आपको अगर आपको जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको मतलब कनेक्ट कर रखा है अपना सॉन्ग, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो यहाँ से एडजस्ट करते हैं इसको,
इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कोई एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ से पावर कंट्रोलर आपको मिल जाएंगे, बटन जो है। और इसके आप स्टेयरिंग देखोगे तो आपको यहाँ पर फिनिशिंग के साथ, क्रोम फिनिशिंग के साथ ही आपको मिल जाएगा। बाकी ये थोड़ी सॉफ्ट है ये चीज़, ये भी पूरा साइड की जो चीज़ें वो सॉफ्ट है। एयर बैग भी गाड़ी गाइज इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। ये रहा आपका सेंटर में महिंद्रा का लोगो, और ये रहा एयर बैग इस गाड़ी के अंदर। तो हॉर्न, ये इसका हॉर्न है जो कि काफ़ी मतलब ठीक ठाक इसकी आवाज़ हॉर्न की लग रही है। बाकी गाइज यहाँ पर आपको मिलेगी बैक प्रोफाइल, यानी अगर आप गाड़ी बैक करते हो तो इसके अंदर आप आराम से पीछे की साइड देख सकते हो। और गाइज एक बार यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ का क्या क्या सिस्टम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका गियर है, 1 2 3 4 5 पांच गियर है, और 6 इसके अंदर रिवर्स है। एसी ये रहेगा इस, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका प्रीमियम इंटीरियर आपको मिल जाता है। और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं एसी को। ये आपकी स्क्रीन है गाइस, अगर आप गाड़ी बैक करोगे तो आपको इसकी स्क्रीन के अंदर आपको दिख जाएगा कि पीछे की साइड कौन है। बाकी ये गाइस यहाँ पर होगी, ये पावर विंडो है इसकी, ये रही देखिए, मैं उधर की साइड की लेफ्ट साइड की विंडो उतारता हूँ, ये रही। वाओ, तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंजिंग है इस गाड़ी के अंदर। यानी आप ये समझ लीजिए कि आज की पिकअप सेगमेंट के अंदर आपको इतनी सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। सीट बेल्ट भी आपको मिल जाती है, देखो गाइस ये रही सीट बेल्ट। और इसके अंदर आपको कुछ चीज़ और मिलेंगी, जैसे कि ये आपकी सीट है तो सीट आपको ये रही, और बाकी डबल फिनिशिंग के साथ आपको सीट मिलती हैं। ये थोड़ी आप समझ सकते हो लाइट ग्रे है, और ये डार्क ग्रे है जो कि मैचिंग के साथ इसके अंदर बनाई गई है। बाकी गाइस और भी कुछ चीज़ें इसके अंदर रह गई हैं, जो कि है यहाँ पर, ये देखिए सन वाइजर्स। ओहो भाई ये रहे, अगर आप धूप में दोनों ही साइड दिए हैं ये रहे, अगर आप इस गाड़ी को धूप में चलाते हो तो सामने से धूप पड़ेगी, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि आपकी जो सामने का फोकस है वो आपको बिल्कुल भी हटने नहीं देगा। और गाइस ये आपका सिस्टम है, आप देख सकते हो ORVM बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इस मिरर से आप पीछे की साइड अपने रखवाली कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइट मिलती है गाइस, वाइट कलर की 4 लाइट्स हैं इसके अंदर, यानी बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। इसे सेंटर में मैं कर देता हूँ, तो ओवरऑल आप जब कैबिन देखोगे ना, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया है कैबिन। और गाइस इसके अंदर आपको अलग अलग चार्जिंग पॉइंट भी मिलते हैं, जैसे कि एक 12 वोल्ट का इसके अंदर आपको यहाँ पर चार्जर मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, ये 2 चार्जर की, और आपको जगह मिल जाएगी डाटा केबल वगैरह की। तो ये आपको कितनी बढ़िया है। बाकी गाइस अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ से इसकी लाइट्स कंट्रोल होंगी। अगर आप टर्न इंडिकेटर करेंगे तो ये राइट साइड का टर्न इंडिकेटर और ये लेफ्ट साइड का टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है। तो गाइज ये इसके अंदर चीज़ मिलती हैं। बाकी गाइज ये लाइट्स ओपन और लाइट क्लोज के लिए आपको मिल जाएगा। बाकी वाइपर अगर आपको मेंटेन करने के, सामने का शीशा वगैरह साफ़ करने के लिए, तो वो ये आपको मिल जाता है, ये रहा। तो ये इसके अंदर काफ़ी बढ़िया फीचर्स है, मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ गाइज। और गाइज इसके अंदर एक चीज़ और है, अगर आप मान लीजिए जाम में खड़े, इधर आके दिखा दो, अगर आप गाड़ी के अंदर मतलब जाम के अंदर खड़े हैं तो ये गाड़ी आपकी बंद भी हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना, दोबारा सेल्फ मारने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है गाइस। तो सिर्फ आप क्लच दबाकर ही, यानी अगर इसकी आप क्लच बिल्कुल आपको प्रेस करोगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक न्यू फीचर आया है इसके अंदर। तो ये आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा फीचर्स की भरमार महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर दे दिया है। और गाइस ये मैंने आपको सब कुछ इसके अंदर दिखा दिया, अब बात करते हैं इस गाड़ी की, इस गाड़ी की आपकी ताकत की। तो गाइस ये गाड़ी आपको जो इंजन मिलता है आपको, वो आपको मिलता है 3 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी के अंदर, डीजल वाले के अंदर। जब आप CNG में लोगे इस गाड़ी को तो CNG के अंदर आपको 4 सिलेंडर मिलेगा, बट इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है आपको। 80 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और 200 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी बढ़िया इसकी सेगमेंट के अंदर, पिकअप सेगमेंट के अंदर मिल जाता है। और काफ़ी ज़्यादा हैवी, जिसको हम बोल सकते हैं 1.6 टन का इसका पेलोड आपको मिल जाता है। और गाइस व्हील बेस जो इस गाड़ी का है वो 2700 है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसकी स्टेबिलिटी जो रोड पर पकड़ है वो भी बहुत अच्छी खासी इसके अंदर बना देगा। तो ये इसके अंदर हमने बहुत सारी लगभग सब कुछ फीचर्स चेक कर लिए हैं। और गाइज ये गाड़ी अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी डिटेल आपको नीचे लिख दूंगा, सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 9,14,000 रुपये के एक्शोरूम पर ये गाड़ी मिल जाएगी, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो इसके अंदर आपको एयर बैग्स, पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, और जैसे जाम के अंदर अगर आप गाड़ी खड़ी है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी क्लच दबाकर। और गाइस एयर बैग्स भी हो गए, पावर विंडो भी, एसी भी इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, बैक पीछे का आपका जो कैमरा है वो भी आपको मिलता है। लेकिन अगर ये समझ लीजिए, अगर आपको पर्सनली ये गाड़ी चलानी है, यानी पर्सनली आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, इसकी जो आपस में इसके जो बैलेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है इसके अंदर है। मैंने चला कर खुद पर्सनली देखी है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, सेगमेंट के अंदर अशोक लीलैंड बड़ा दोस्त के जैसी है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हमने लगभग इसके बारे में सब कुछ जान लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कमेंट कर देना, किसी और वीडियो की अगर आपको
डिमांड हो तो आप वो भी मेरे को कमेंट कर देना, मैं फिर आपके लिए एक और बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो को पसंद आई तो गाइस वीडियो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहता है। थैंक यू।